सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत डुमरिया का ताजा मामला सामने आया है। तहसीलदार ने खड़े होकर सूने घर का एक महिला का आशियाना पर बुलडोजर चलाकर मकान को तोड़ दिया। जी हां, बात करें सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत डुमरिया का, एक गंभीर मामला सामने आया है। फुलेश्वरी नामक महिला का जो पिछले 3 वर्ष पहले जमीन खरीदे थे, गंगोत्री गुप्ता नाम की महिला से खरीदा गया था। महिला के पास जमीन की रजिस्ट्री पेपर सब है। महिलाओं के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि हमारे सूने घर में कार्रवाई की गई और पैसा जेवर सब था घर में। परिजनों ने आरोप भी लगाया है डुमरिया सरपंच पर। आरोपी कुछ और लोग भी हैं। 15-20 लाख रुपए घर बनाने में लगे थे, वह हमारा बर्बाद हो गया। हम कहाँ रहेंगे सर्दी के मौसम में। यह कार्रवाई एक तरफा की गई है जिसका जिम्मेदार तहसीलदार सरपंच और 1-2 आदमी और हैं। हमारे घर का सामान पूरी तरह बर्बाद और क्षतिग्रस्त हो गया। हमारे पीने के पानी जो ट्यूबवेल था उस पर भी बुलडोजर चला दिया गया। हमें नोटिस 1 दिन पहले शाम को घर के पास फेंक कर चला गया था कोई और। हमें अपना सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। जब घर में बुलडोजर चल रहा था उस वक्त हम ड्यूटी गए हुए थे, हमारे बच्चे स्कूल गए हुए थे। यह आरोप है महिला का। इस हिंदुस्तान में विनोद गुप्ता, इस समय सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत डुमरिया में मैं हूँ। यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट से मैं दिखाऊंगा। एक पीड़िता है फुलेश्वरी और उसका मकान कल अचानक एक तहसीलदार का ऐसा फरमान आया कि डोजर लेके अदल बदल के साथ आया और उसका मकान को तोड़ दिया गया सुने घर में। उस महिला अपने ड्यूटी में था, उसका एक बच्चे है वो स्कूल गया हुआ था और एक गंगोत्री गुप्ता नाम से इस महिला ने जमीन को खरीदा था आज से 3 साल पहले और 2-2.5 साल पहले इस मकान को बनाया था। और अचानक एक तहसीलदार अमित करकेटा जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इनका इससे पूर्व भी कई कारनामा है, और अचानक फरमान लेके आया और डोजर लेके आया और इस घर को पूरा डोजर के द्वारा चला दिया गया। और महिला चिक चिक के लिए बोल रही है, इस ठंडी के मौसम में मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, चिक चिक के गुहार लगा रही है। आखिर ऐसे संवेदनशील मामला में बिना जांच पड़ताल किए तहसीलदार का एक ऐसा फरमान हो सकता है? जब पट्टे की ज़मीन पे अपना मकान बनवाया था और तोड़ना ही था तो 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है, उसमें नियम है 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता, इसके बाद उसमें कार्रवाई करता, ना कि सामान भी नहीं निकाल पाए। तो आइए मैं जानता हूँ इन महिला से ही कि आखिर आपके साथ क्या घटना घटा और क्या है पूरी जानकारी, महिला ही बताएंगे। अब मैं घर में नहीं थी, अब 1 साल पहले ही लोग मर्डर करने के लिए भेजे थे, तो उसको मैं थाना में वो सूरजपुर भी दरखास्त की थी। सरपंच और वरुण सरपंच और रामलाल उप सरपंच और बरपरा का राजकुमार सरपंच, ये लोग मेरे को जबरदस्त ये लोग कर रहे हैं कि ये नहीं है जमीन, और मैं जमीन खरीद के घर बनाई हूँ पैसा लगा के। गुंडा भी भेजते हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरा सारा जिंदगी कमाई ये लोग खत्म कर दिए। मैं विधवा लेडीज, यहाँ पूरा मैदान में मेरा सामान पूरा फेंक दिए, कुछ नहीं है मेरे पास। ताला बंद घर को इन लोग तोड़ दिए मेरा। मैं नहीं थी, ड्यूटी चल गई थी, मेरा बेटा स्कूल चला गया था, मेरा बोर उर सारा को उखाड़ दिए पूरी तरह से। मैं कहाँ जाऊँ, ये खुला डांड में मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, मैं क्या करूँ। एक तो भगवान ही मेरा दुनिया छीन लिया, इंसान मेरा पैसा खरीदा हुआ, मेरा सारा दुनिया का कमाई खरीद लिया, मैं पट्टा का जमीन खरीदी हूँ। अब इसका मैं फोटो है जिसके पास खरीदी हूँ, इकरारनामा है मेरा। ये नापी करवाए हैं जमीन का, नापी करके घर सारा, ये नापी करवा के घर बनाए हूँ 5 नंबर में। मैं क्या करूँ, मेरे को कहाँ जाऊँ, मैं ठंडी का महीना में कहाँ रहूँ, ना मेरा घर ना दुआर, मैं कहाँ जाऊँ अपना लड़के बच्चे को लेके। जो कि पढ़ा नहीं जा सकता, 22 को नोटिस दिए, इसमें कुछ लिखा नहीं है। 23 को आके मेरा बिना रहे ताला बंद घर को तोड़। नोटिस मिला था क्या? कोई नहीं मिला है कुछ भी ना, तो मेरे को नोटिस मिला है, ना मैं किसी चीज में साइन करी हूँ, ना मेरे को पता था।
ये तहसीलदार आके जबरदस्त की बोला है कि हम घर तोड़ रहे वो तो बोले माई जज हो माई ये नोटिस पेपर जो हाथ में आप रखे हैं आपने कब मिला ये नोटिस 22 को मिला 22 को दरवाजा में फेंक के चल गया मैं 23 को ही देखी ड्यूटी जाते समय 22 को ये नोटिस मिला है सर दरवाजा के सामने 22 को नोटिस हम लोग को 3 बजे मिला है नहीं शाम को 3 बजे शाम को मिला दरवाजे में फेंक के चले गए हैं और दरवाजे में फेंकने के बाद ये नोटिस हम लोग को सुबह मिला और 10 बजे तक डोजिंग करने के लिए प्रशासन लेके तहसीलदार साहब जी आ गए।